बजाएं जोरदार तरीके से। आप बैठो तो सबको मालूम पड़ेगा ये प्रत्याशी। आ जाओ मनोज। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? अरे यार तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? क्यों भाई, देपालपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? यहां 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्री घनश्याम नरोलिया जी, अरे यार बैठ जाएंगे सब, चिंता मत करो। श्री गोपाल सिंह चौधरी जी, श्री उमानंद पटेल जी, श्री गुमान सिंह पवार जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री सोहन पटेल जी, श्री भरत आईना जी, श्री मलखान सिंह जी, श्री राजू जाट जी, श्री शशि जायसवाल जी, बहन अनीता महेशपुरी जी, मोतीलाल रजोरिया जी, नितेश उपाध्याय जी, मैं जहां से लोकसभा का सांसद हूं वहीं से हमारे विधायक भाई अमित ठाकर जी, और आज हमारे एमपी, खड़े हो जाइए साहब, शंकर भाई हमारे एमपी, जोर से ताली बजाओ एमपी साहब के लिए। और आज जिनको जिताने के लिए मैं आज देपालपुर में इतनी दूर से आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी मनोज निर्भय सिंह जी, जोर से ताली बजाओ। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, कल दीपावली है। अरे यार सुनो, अब कल दीपावली है। कल दीपावली में मैं मध्य प्रदेश की और देपालपुर की सारी जनता को हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल धनतेरस थी, आज रूप चौदस है और कल दीपावली है। मुझे बताओ देपालपुर वालों, दीपावली में फटाके जलाओगे क्या? पक्का जलाओगे? मगर देखो भाई, इस बार 3 बार दीपावली मनानी है। सब हाँ बोल देते हो, मगर क्यों, ये तो भूते नहीं हो, बताऊं मैं? देखो, पहली दीपावली कल दीपावली के दिन कल मनानी है, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को कमल फूल की सरकार बनाकर मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में मनानी है। तीनों दीपावली मनाओगे? माताओं, भाइयों और बहनों, युवा मित्रों, 550 साल से प्रभु श्री राम राह देखते थे कि कब उनको, जहां उनका जन्म हुआ था वहां भव्य मंदिर बनेगा। 70 साल से कांग्रेस पार्टी, एक कमलनाथ और दिग्विजय की पार्टी, 70 साल से राम मंदिर को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। मोदी जी आए,
मोदी जी ने 19 में भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी कर देंगे। मेरे युवा साथियों, जब 14 से 19 में भाजपा का अध्यक्ष था तब ये राहुल बाबा जो है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई। अरे यार राहुल बाबा ठीक है। ओ राहुल बाबा मुझे कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज मैं देपालपुर में बाबा महाकाल की धरती पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी 2024 को मोदी जी वहां प्राण प्रतिष्ठा करने वाले। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र जारी किया है और वो घोषणा पत्र में आप लोगों को दर्शन करना है ना, रामलल्ला का करना है ना, खर्चा होगा ना, मगर मत करना। 3 दिसंबर को सरकार बना दो। हमने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बारी बारी रामलल्ला का दर्शन मध्य प्रदेश सरकार। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब जबरेश्वर मंदिर, 24 अवतार मंदिर, मनेड़िया मंदिर और इस भूमि पर हमारे महान सिख गुरु गुरु नानक देव जी महाराज भी रहे हैं। इन सबको प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहिए। भाई और बहनों, आप 17 तारीख को जब वोट देने जाएं तब एक बात याद रखना कि मनोज निर्भय सिंह को विधायक बनाने के लिए वोट नहीं देना है। आपके वोट से वो विधायक तो बन ही जाएंगे, परंतु आपका वोट मध्य प्रदेश और देश के विकास और सुरक्षा के लिए, आपका एक वोट मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगा बीजेपी की, मोदी जी की डबल इंजन सरकार बनेगी और वो डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश को बंटाधार जो बीमारू राज्य छोड़कर गए थे 18 साल में शिवराज जी ने बेमिसाल किया और अब डबल इंजन की सरकार उसको बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम करेगी। मैं गुजरात में ही रहता हूं। कई बार बंटाधार की सरकार थी तब मैं बाबा महाकाल का दर्शन करने आता था। बाबा महाकाल का दर्शन करने गुजरात से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलते थे, दाहोद आते आते नींद लग जाती थी, सो जाते थे, परंतु जैसे ही जाबवा में घुसते थे धड़ाम से गाड़ी खड्डे में गिरती थी और मालूम पड़ जाता था कि दिग्विजय सिंह का मध्य प्रदेश शुरू हुआ। ये मालूम ही नहीं पड़ता था बाबा महाकाल तक आते आते कि रास्ते में गड्ढा है या गड्ढे में रास्ता है, यही मालूम नहीं पड़ता। शिवराज जी ने 18 साल में 5,00,000 किलोमीटर रोड बनाकर मध्य प्रदेश के विकास को गति देने का काम किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, मुझे बताओ सारे लोग, अरे यार सुनो ना, आवाज सुनाई देगी, चिंता मत करो, बैठ जाओ, सारे लोग कृपया बैठ जाइए जरा, ये पगड़ी वाले भाई साहब बैठ जाओ। मुझे बताओ ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे यार जोर से, मैं फिर से पूछता हूं, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है?
धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अनवरत संतान की तरह अपनी गोदी में बिठा कर रखा था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को हमारा। ए राहुल बाबा, जब मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में गया तो राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला भाई क्यों? तो वो कहते थे धारा 370 हटेगी तो कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, पांचवा साल आ गया, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी एनआईए ने देश भर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर रेड डालकर पकड़ने का काम किया। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। ये मालवा क्षेत्र पूरा पीएफआई से त्रस्त था, नरेंद्र मोदी जी ने बैन लगाया। एक कमलनाथ एंड कंपनी बैन लगाने का विरोध करती थी। और 10 साल तक यहां पर देश में सोनिया मनमोहन की सरकार चली, यूपीए की सरकार चली, इंडी अलायंस की सरकार चली, कांग्रेस पार्टी की सरकार चली, और 10 साल में आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर भाग जाते थे, मगर मौनी बाबा का मुंह नहीं खोलता था। फिर आपने 14 में मोदी जी की सरकार बनाई और मोदी जी की सरकार बनी तब पाकिस्तान को आदत पड़ी थी, उन्होंने फिर से उरी और पुलवामा में हमला किया और 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ना देश की सुरक्षा कर सकती है ना देश को समृद्ध कर सकती है। मोदी जी ने 9 साल के अंदर 11वें नंबर पर अपनी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें नंबर पर पहुंचाकर देश को आगे बढ़ाने का काम। मोदी जी ने G20 समिट के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन को स्वीकार कराकर देश दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को महात्मा गांधी की समाधि पर ले जाकर मोदी जी ने राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, इनका लक्ष्य स्पष्ट है, कमलनाथ को अपने बेटे को नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, दिग्विजय को अपने राजकुमार को मुख्यमंत्री बनाना है और सोनिया जी को राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है। अब मुझे बताओ भैया, आप लोग कि जो लोग अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति में हो वो मध्य प्रदेश और देपालपुर का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आदिवासी, आप रहने दो ना, खड़े रहो भैया। आदिवासियों का, ओबीसी का, दलितों का भला कर सकते हैं क्या? ये गरीबों का भला ये परिवारवादी पार्टी नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी खुद गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी को जानते हैं, उन्होंने ये 9 साल के अंदर
देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम करे हैं। मध्य प्रदेश के 93 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में भेजा। और हमारी पार्टी ने अब घोषणा करी है, कमल फूल की सरकार बना दो, हर किसान को 6,000 की जगह अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन में 65 लाख परिवारों को नल से जल देने का काम किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत 3,70,00,000 लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त कराया। और अब हमने घोषणा की है कि आप कमल फूल की सरकार बना दो, 5 लाख की जगह 10 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हो जाएगा। 80 लाख गरीबों का शौचालय बनाया, 5 करोड़ गरीबों को हर महीने हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। अब मोदी जी ने घोषणा करी है 24 में नरेंद्र मोदी सरकार बना दो, अगले 5 साल तक ये अनाज मुफ्त में फिर मिलना शुरू हो जाएगा। 82 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना का फायदा पहुंचाया। अब बीच में गैस के दाम बढ़ गए, कमलनाथ नाटक कर रहे थे, कमलनाथ जी अब हमने तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद दाम कितना भी हो 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। 36 लाख हमने DBT से आवास बनाए। और मुझे बताओ नेपालपुर वालों, सभी को कोरोना का दोनों टीका लग गया है ना? अरे हाथ ऊपर करो, लग गया है ना? किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा ना? मोदी जी ने कॉफी पीकर मुफ्त में टीका लगाया ना? मोदी जी ने 200 करोड़ टीके लगाकर पूरे भारतवर्ष को कोरोना से सुरक्षित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं भाइयों बहनों, ये परिवारवादी पार्टियां मध्य प्रदेश का ना भला कर सकती है ना देश का भला कर सकती है। मैं पूछने आया हूं एक कमलनाथ भ्रष्टाचार नाथ को कि आपने, आप मुझे जवाब दीजिए, 10 साल तक UPA की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आपने मध्य प्रदेश को क्या दिया? 10 साल तक केंद्र से मध्य प्रदेश को 2,00,000 करोड़ रुपया मिला। कितना मिला भाई, जोर से बोलो कितना? और मोदी जी ने 9 साल में 2,00,000 करोड़ के सामने 6,38,000 करोड़ रुपया देने का काम। इसके साथ साथ 5,00,000 करोड़ के कई बड़े बड़े काम, रोड, एक्सप्रेसवे, कई इंडस्ट्रियल एस्टेट, एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेन और रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार कराना काम किया। BPCL की रिफाइनरी 39,000 करोड़ से BPL की रिफाइनरी लगाने का काम किया। और स्मार्ट सिटी के तहत स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर करा, 750 करोड़ मेगावाट का रीवा सोलर प्लांट करा और लगभग 2100 करोड़ से महेश्वर में आदि शंकर का स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। माताओं भाइयों बहनों, ये पिछड़ा वर्ग की बात अभी कमलनाथ करते हैं। मैं उनको पूछने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या किया। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आने के बाद इतने साल तक किसने दबा कर रखा? कांग्रेस पार्टी ने। मेरे साथ बोलिएगा, किसने दबा कर रखा?
मंडल कमीशन का रिपोर्ट का विरोध किसने किया? अब तक इन्होंने 27% आरक्षण नहीं दिया, एमबीबीएस की सीट हो या केंद्र की सीट हो, मोदी जी ने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 27 ओबीसी मंत्री, आज 35% से ज्यादा ओबीसी मंत्री है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम कर पिछड़ा वर्ग का कल्याण किया। चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, गरीबों का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज तक कभी भी देश में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बने थे। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। माताओं, भाइयों और बहनों, आदिवासियों के लिए जो बजट था वो बजट को 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,29,000 करोड़ करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे गुजरात से ये अमित ठाकरे भी गुजरात से आते हैं, हमारे गुजरात में कहते हैं 3 तिगड़ा तो काम, जरा जोर से बोलो 3 तिगड़ा तो काम। यहां 3 परिवारों का शासन था 1.5 साल तक, एक तो कमलनाथ नकुलनाथ का था, एक दिग्विजय और उनके राजकुमार का था, और तीसरे गांधी परिवार को। तो अब फिर से 3 तिगड़ा इकट्ठा होंगे तो काम क्या होगा, बिगाड़ना है क्या? और इनका तो अजब प्रकार का व्यवहार है, आदेश तो चलता है गांधी परिवार का, बेचारे कमलनाथ का भी नहीं चलता है, आदेश मिलने के बाद निर्देश चलता है कमलनाथ का, और गलती हो जाए तो चांटा पड़ता है दिग्विजय सिंह को। बोले अब मंच पर बैठकर एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का विकास कर सकते हैं क्या, देपालपुर का विकास कर सकते हैं क्या? मित्रों, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। इन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने बेमिसाल राज्य बनाया। और मैं फिर से कहता हूं, 17 तारीख को कमल फूल को मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हम बेमिसाल मध्य प्रदेश को बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, मुझे भी कल दीपावली में गुजरात जाना है, देर हो रही है। अब बताइए, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? मुझे कम सुनाई पड़ता है, जोर से बोलो, दबाओगे? हमारे भाई मनोज निर्भय सिंह को जिताओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करें सभी लोग, बाहर पंडाल के बाहर खड़े अंधेरे में वो भी खड़ा करे, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, वंदे।